प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना वायरस के चलते पानीपत के कोर्ट में लोगों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एंट्री बंद की गई है और सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। वहीं इसको लेकर वकील और लोग जिनकी तारीख है वह कोर्ट के बाहर ही अपना काम कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जिनकी तारीख चल रही है वह अपने वकील से संपर्क करें, स्टे और बेल जैसे कामों के लिए ही सिर्फ इजाजत दी जा रही है। वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर सैनिटाइजर और मास्क भी वकीलों और न्यायालय के कर्मचारियों के लिए मुहैया करवाए गए हैं, ताकि सबको कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचाया जा सके। सर, ये तो कोरोना वायरस के लिए जो भी जो वायरस हमारे महामारी हमारे देश में चल रही है उसको सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए और इसका बचाव करा जाए और चार या चार से अधिक आदमी एक जगह एकत्रित ना हो। पुलिसकर्मी यहाँ लगाए हुए हैं, जिनकी डेटें लगी हुई हैं वो बाहर ही काज लिस्ट लगी हुई है, या वो अपने वकीलों से संपर्क करें, या किसी को भी कोई नुकसान ना हो। इस वायरस से बचने के लिए सिर्फ सुरक्षा की मद्देनज़र बंद है सब सिस्टम। देश के अंदर महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस के, उसको देखते हुए हमारी सरकार ने सभी दफ्तर वगैरह 31 मार्च तक बंद किए हुए हैं, और उसको देखते हुए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बंद किए हैं, और सिर्फ एडवोकेट की 5 एडवोकेट ड्यूटी लगी हुई है वही पेश हो रहे हैं। किसी क्लाइंट का, किसी एडवोकेट का इस से कोई नुकसान नहीं होगा, ना किसी मुलजिम की तारीख टूटेगी। इस चीज़ को देखते हुए हमारे यहाँ अपने सैनिटाइजर और मास्क वगैरह सब वकीलों में, क्लाइंटों में, मुलजिम में बांट दिए गए हैं, और कोर्ट के गेट्स पे भी फैसिलिटी दी हुई है, और इससे हमारे देश की सुरक्षा है। हम चाहते हैं कि हर आदमी अपनी सुरक्षा रखे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहे, ज़रूरी काम हो तो बाहर निकले, अदरवाइज अपने घरों में रह के अपने परिवार की सेफ्टी के साथ अंदर घर में रहे। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेडू की रिपोर्ट।